सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल है। वीडियो में दिख रही महिला का नाम डॉक्टर अंजू मौर्य है। अंजू मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने सड़क किनारे बिजनेस कर रहे आम लोगों के सामान के साथ तोड़फोड़ कर दी। इस वीडियो को लेकर कई किस्म के कमेंट आ रहे हैं। इस बीच हमने अंजू मौर्य से बात करने की कोशिश की, हालांकि वो कैमरे के सामने तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने दुकानदारों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ के गोमती नगर के पत्रकारपुरम इलाके में पटरी दुकानदार जो दिए बेच रहे थे, उनके सामानों को तोड़फोड़ के वायरल वीडियो में हमने जो महिला तोड़फोड़ करती नजर आई उनसे बात की तो पता चला उनका नाम डॉक्टर अंजू है और लखनऊ के ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो कार्यरत हैं। उनसे बातचीत के दौरान फोन पर डॉक्टर अंजू ने अपनी आपबीती बताई। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस गली में हर साल बीते करीब 7-8 सालों से इसी तरीके से पटरी दुकानदार उनके घर के बाहर अतिक्रमण कर लेते हैं, घर के बाहर दुकानें लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनके बाहर निकलने पर आने पर दिक्कतें होती हैं। जब वो रात में अपने दफ्तर से अस्पताल से वापस आती हैं तो यहाँ पर गाड़ी तक नहीं ले जा पाती, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस से भी की। और कल जब हमने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप आग बबूला हो गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था जो दुकानदार लड़के थे वो जो बीच का हिस्सा होता है सड़क का, वहां पर दुकान जरूर लगाए थे, लेकिन सुबह के वक्त में जब वो अपनी बालकनी में खड़े होकर चाय पी रही थी तो उन लड़कों ने कुछ ऐसे इशारे किए, उनको देखकर सीटी बजाई। ये साफ तौर पर कहा डॉक्टर अंजू ने कि उनको सीटी बजाई, जिसको देख करके उनको गुस्सा आया और उन्होंने ये काम किया। फिलहाल उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इस मामले में जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी शिकायत की हुई है और पुलिस को कई बार शिकायत करने के बावजूद घर के बाहर ये अतिक्रमण का सिलसिला साल दर साल चलता आ रहा है। हालांकि इस पर दुकानदारों का अपना पक्ष है। क्या हुआ, ये कौन आया था, कैसे टूट गई है? मैं सुबह गया चाय लेने तो वहाँ से मैम निकली पानी लेके और पाइप लेके, तो यहाँ पानी डालने लगी, बोली दुकान हटाओ, बोली एक ही मिनट में हटाओ, तो मेरे ऊपर पानी डाल दिया गया और यहाँ पे फिर लात मारा कछुए पे और फाउंटेन आउंटेन वो सब टूट गया। फिर बल्ले से आके यहाँ तोड़ फोड़ की, फिर वाइपर से किया। हमने बोला मैम एक मिनट मौका तो दीजिए, गाड़ी आ रही है मैं लदवा लूँगा। वो बोली तुरंत हटाओ। मैंने कहा अभी कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, कहाँ हटा लूँगा। तो वो बोली तुरंत हटाओ, हम कुछ नहीं जानते, ये तुरंत ले जाओ। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।